बिहार पुलिस परीक्षा 2023 1 अक्टूबर का सवाल आप लोगों को बीच आज मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन है मैंने गूगल साइट से खोज कर आप लोगों के बीच लाया है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपना आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आया था आज आप लोग मिला लीजिएगा, और आगामी परीक्षा जो आप लोग 7 और 15 को देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो रामबाण साबित होगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी पूछ रहा है और पूछेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आया था कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है, तो वो होती है 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज होती है। दूसरा क्वेश्चन जो है एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य देश बना है किस महादेश में स्थित है। किस महादेश में स्थित है वो होगा अफ्रीका। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं आया होगा क्वेश्चन में तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आया था, क्योंकि ये हमें गूगल साइट पर मिला तो ही आप लोग के बीच हम ये क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन जो है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल अपितु भारत रत्न भी पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है। तो वो जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न अवार्ड भी सम्मानित किया गया था। उसी तरह देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो आया था निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग आपका आ सकता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, वो होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। निम्न में से भारत सबसे बड़ा निर्यातक है तो वो हो जाएगा ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। उसी तरह देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आया था निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को आगामी एग्जाम में आने वाला है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सैंडविच द्वीप जो था वो हवाई द्वीप का नाम है, हवाई द्वीप। कौन सा एकमात्र द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे कर्क रेखा भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो वो करता है राज्यों का संघ। भारत का संविधान जो है भारत को अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों को संघ घोषित करता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 15 जून 2005 ईस्वी को। 15 जून 2005 को आप लोग आंसर किए होंगे तो आप लोग का ये सही जवाब होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर होता है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर होता है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो ये हैं एम एन राय के विचार दिया था कि भारत का संविधान बनना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन था कि भारत के संविधान किस
भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, मूल कर्तव्यों को। तो देखिए मूल कर्तव्य, तो कर्तव्य जो लिया गया था वो रूस से लिया गया था, रूस लिया, और वो है भाग 4A में। भाग 4A में कर्तव्य जो है वो भाग 4A में लिया गया है और ये रूस देश से लिया गया है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीनच्छ शक्तियाँ देता है? तो देखिए ये होगा आर्टिकल 227 देता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वो होगा विधानसभा में चुने गए प्रत्याशियों के द्वारा ये राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन जो है, स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन वाइज होगा, तो इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है। तो जो आप लोग आंसर किए होंगे अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कर देंगे। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लागत वृद्धि को क्या कहा जाता है? समग्र आपूर्ति के तुलना में कुल मांग के अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो देखिए मांग जन्य मुद्रास्फीति, मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन को चालू खाते का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो वो होगा पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। व्यापार घाटा उसे स्थिति का वर्णन करता है, व्यापार घाटा उसे स्थिति का वर्णन करता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात उनके नियत से निर्यात से कम होता है। अगला जो क्वेश्चन आया था कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर की निर्धारित कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा RBI। RBI आधार दर निर्धारित करने का एकमात्र संस्था है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण एवं वितरित करने का अधिकार कौन सा बैंक संस्था सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वो हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। अगला जो क्वेश्चन आया था कि भारत का सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत का सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो हैं सुकुमार सेन। जिस ब्याज से कम दरों पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है वो कहता है आधार दर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? वो होगा निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब होगा जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। देखिए अर्थशास्त्र से बहुत अधिक सवाल आ रहा है, तो अर्थशास्त्र पर आज से ही आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है कि सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों को एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे
कितने सैनिक बचे थे, कितने सैनिक बचे थे, तो देखिए इसका आंसर जो दे रहा है 81, आप लोग जरूर निकाल कर देखिएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है कि यदि अनुक्रम ए है ए माइनस बी और ए माइनस टू बी ए थ्री बी का दसवां पद 20 है, तो 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला में एक्स का मान क्या होगा, जो इसका आंसर होगा 30 माइनस एक्स। तो अगला क्वेश्चन मैथ से है कि 6x² - x - 20 का द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, तो देखिए द्विघात समीकरण में तोड़ना है, आंसर होगा 2/3 और -1/2। अगला जो क्वेश्चन है मैथ्स ही से है, तो इसका जो क्वेश्चन है कि एक तैराक शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, जब नदी 1 किमी घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने एवं लौटकर प्रारंभिक बिंदु से आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो यह जगह कितनी दूर है, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर घंटा और 30 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा की गति से 7 किमी की 4 क्रमिक दूरी तय करता है, इस दूरी के दौरान उसका औसत गति क्या होगा, इसका जो औसत गति होगा 20 किलोमीटर घंटा, सभी को जोड़ के 4 से भाग देना है, जैसे 60, 30, 90, 100, 120 में 4 से भाग दे देंगे, तो सॉरी यहाँ पर 20 दिया है लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को 60 डिग्री कोण में बनाने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा, जो इसका आंसर दिया है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बनाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो हम अपना अगला जो वीडियो लाएंगे वो हमारा मैथ पर ही होगा। यदि ए का 80% बी का 50% हो तो बी बराबर ए, तो एक्स का मान क्या होगा, तो देखिए ए का 80% बराबर बी का 50%, मतलब कि 80 बराबर 50 है, मतलब कि 100 का 80 तो इसका हो जाएगा 80, तो इसका हो जाएगा 160, तो एक्स का मान जो हो जाएगा 160 हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा एक्स का मान जो है 160 होगा। अगला जो क्वेश्चन कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुना था, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 80 वर्ष हो जाएगा। घर के बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, घर के बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो वो होगा समानांतर क्रम में। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की गति से गति करता है, तो यदि एक वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा 0, वस्तु का विस्थापन जो होगा वो 0 होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती के टकराने वाला समय क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 1.8 सेकंड होगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो वो थे भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखिए ये 69 बीपीएससी में भी क्वेश्चन ये आया हुआ था, जो मैंने इसका क्वेश्चन को यहाँ पर जवाब दिया था कि भारत छोड़ो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे जो क्वेश्चन आया है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, तो वो हैं बी आर अंबेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। और अगला जो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी प्रश्नों में सभी क्वेश्चन में आता है कि सत्य में जयती युक्ति कहाँ से ली गई है,
ये हमेशा आते रहता है। इसका जो सही जवाब होगा मुंडको उपनिषद। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, इसी पर आधारित आप लोग को अब क्वेश्चन देखना है। ज़्यादा अब आप लोग को सोचना नहीं है, जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसी तरह से आप लोग को सिर्फ रिवीजन अब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था तो ऑप्शन के हिसाब से जय हिंद, जय हिंद। और एक सुभाष चंद्र का एक और नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जय हिंद इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन आया है कि पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल किस कब शुरुआत हुआ था? तो ये देखिए ये हुआ था 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, देखिए डब्लू सी बनर्जी के अध्यक्षता में मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। उसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो वो हैं उदीन, उदीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा नदी के किनारे किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो वो थे शील भद्र, बंगाली प्रमुख विद्वान जो थे वो शील भद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये है 21%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 21%। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को क्वेश्चन दिया था उसमें यह क्वेश्चन दिया था कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 21% मैंने बताया था। आप लोगों को देख लीजिएगा कि मैंने दिया था वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो होगा बानर, बानर या आप लोग बंदर भी इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो वो होता है रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में प्रतिरक्षी गठन होता है। अगला जो क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा नींद की बीमारी, नींद की बीमारी आप लोग किए होंगे तो आप लोग का सही जवाब होगा। पसीने की ग्रंथियां की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, पसीने की ग्रंथियां का त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, तो वो होती है बगल, जिसको आर्म पीट भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं में तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो वो होगा वेकुलस, वेकुलस जो है वो तीक्ष्णता को बनाए रखता है। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोड्रामेटिक होती है और उसे अंतःकोशीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो है पेरानिसियमा, पेरानिसियमा कहा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो होगा नमक का घोल, नमक का घोल जो है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, तो वो होता है जलयोजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है, जलयोजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो वो है ग्रेफाइट, पैराफिन, ग्रेफाइट और भारी जल। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को अपना क्वेश्चन देख लेंगे और आगामी परीक्षा में जो एग्ज़ाम देंगे वो भी अपना पूर्ण तैयारी कर लेंगे। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।